Hello, my amazing friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों. अच्छा दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रोनंसिएशन का या फोनेटिक्स का एक टॉपिक. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका नाम है प्लोसिव कॉन्सनेंट्स एंड देयर आर्टिकुलेशन, कि प्लोसिव कॉन्सनेंट्स क्या होते हैं और इनका आर्टिकुलेशन कैसे होता है. आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए. और प्लोसिव कॉन्सनेंट्स को ही स्टॉप कॉन्सनेंट्स भी कहा जाता है. तो इनको प्लोसिव कॉन्सनेंट्स या स्टॉप कॉन्सनेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलने के पहले हवा को पहले मुंह के अंदर यहाँ वोकल ट्रैक्ट में बिल्कुल रोक लिया जाता है और फिर एक झटके के साथ हवा को रिलीज़ किया जाता है. इसीलिए जैसे एक एक्सप्लोजन होता है, जैसे एक विस्फोट होता है, उस तरीके से हवा को छोड़ा गया. इसीलिए इनको प्लोसिव कॉन्सनेंट्स या स्टॉप कॉन्सनेंट्स कहते हैं. तो हमको यही समझना चाहिए कि ये कितने होते हैं, कौन से ऐसे कॉन्सनेंट्स हैं जो प्लोसिव कॉन्सनेंट्स हैं या स्टॉप कॉन्सनेंट्स हैं. तो यहाँ लिखा है दोस्तों कि इंग्लिश हैज़ 6 प्लोसिव कॉन्सनेंट्स. 6 प्लोसिव कॉन्सनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? फी ठी खे एंड बी डी एंड जी. फी ठी खे बी डी एंड जी, यही 6 प्लोसिव कॉन्सनेंट्स हैं या स्टॉप कॉन्सनेंट्स हैं. अब हमको यही सीखना चाहिए कि इनमें से किस प्लोसिव कॉन्सनेंट का साउंड मुंह के अंदर से कहाँ से निकलता है, आर्टिकुलेशन क्या है. तो वो देख लेते हैं दोस्तों. फी एंड बी जो है, फी एंड बी, ये दीज आर बाइलेबियल साउंड्स. बाइलेबियल साउंड्स है. बाइलेबियल का मतलब क्या हुआ? जिसमें दोनों होठ इन्वॉल्व हो. यहाँ लिखा है दोस्तों, द लिप्स आर प्रेस्ड टुगेदर. लिप्स को जब एक साथ प्रेस करते हैं, द लिप्स आर प्रेस्ड टुगेदर. ये जो वर्ड है दोस्तों, इसको पढ़ना चाहिए टुगेदर. इसको टुगेदर नहीं पढ़ना चाहिए, टुगेदर. दैट इज द प्रोनंसिएशन, टुगेदर. उसके बाद दोस्तों टी एंड डी, टी एंड डी, टी एंड डी, यही इनका साउंड है. कैसे पढ़ेंगे? ये एल्वेलर साउंड है. एल्वेलर साउंड का मतलब क्या हुआ कि द टंग ब्लेड, जीभ का जो आपका टिप के बिल्कुल नीचे जो ब्लेड, जो हिस्सा है जीभ का, ये वाला, द टंग ब्लेड इज प्रेस्ड अगेंस्ट द एल्वेलर रिज. एल्वेलर रिज में जाके आपकी जीभ उसके अगेंस्ट प्रेस करती है. टी डी, टी डी, टिप ऑफ द टंग, टी डी. तो एल्वेलर रिज कहाँ है? ऊपर के जो दांत है उनके नीचे ये जो उभरा हुआ हिस्सा है उसी को एल्वेलर रिज कहते हैं. तो उधर जाके जीभ लगती है. टी डी, टी डी, ये इनका साउंड है. तो इनका साउंड ऐसे निकलता है. उसके बाद दोस्तों खे एंड जी, खे एंड जी, खे एंड जी. अब अगर आप नोटिस करेंगे, ये व्हीलर साउंड है. व्हीलर का मतलब क्या हुआ? व्हीलर का मतलब हुआ द बैक ऑफ द टंग, जीभ का जो पीछे का हिस्सा है वो इज प्रेस्ड अगेंस्ट द एरिया वेयर, उस एरिया में जाके आपकी बैक ऑफ द टंग जाके टच होती है, वेयर द हार्ड पैलेट एंड्स एंड द सॉफ्ट पैलेट बिगिंस. हार्ड पैलेट ये है दोस्तों, बीच का जो हिस्सा है जो कठोर है, और एंड में यहाँ जहाँ से आप आवाज़ को बंद कर सकते हैं वहाँ सॉफ्ट पैलेट है. तो जहाँ हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट मिलते हैं, जहाँ हार्ड पैलेट ख़त्म होता है सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होता है, वहाँ आपका बैक ऑफ द टंग जाके लगता है. आप बोल के देखिए, खे, आप देख रहे हैं आपकी जीभ कहाँ जाके लग रही है? खे जी. तो खे जी, तो इन ये व्हीलर साउंड है. तो इनमें से फी बी बाइलेबियल है, टी एन जी एल्वेलर है, एंड खे एन जी व्हीलर साउंड है. तो ये तो इनका आर्टिकुलेशन हुआ. अब ये इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ये है कि फी टी एंड खे आर वॉइसलेस स्टॉप्स या वॉइसलेस कॉन्सनेंट्स. ये वॉइसलेस हैं. इनको जब हम बोलेंगे, फी टी और खे को जब हम बोलेंगे, तो हमारे यहाँ वोकल ट्रैक में वाइब्रेशन नहीं होगी, आवाज़ में वाइब्रेशन नहीं होती. उसके लिए, उसको चेक करने के लिए आप हाथ यहाँ रख सकते हैं सॉफ्टली, और आपको फील करना चाहिए बोल के फी ठी खे, वाइब्रेशन नहीं होती. तो ये फी ठी खे का साउंड कहाँ से निकलता है? जीभ से और हवा से निकलता है. फी ठी खे मतलब हवा, हवा से, एयर से साउंड बनता है इनका. लेकिन बी डी और जी जो है ये वॉइस्ड है. जब आप बोलेंगे बी डी और जी, तो यहाँ आप हाथ रख के देखेंगे तो वाइब्रेशन आपको महसूस होगी. बी डी जी, तो एकदम एक बार की, अगर आपने पहले कभी नहीं किया इसको, तो एक बार की शुरू शुरू में हो सकता है आपको पता नहीं चले, लेकिन धीरे धीरे जब करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि फी ठी खे जो है वॉइसलेस है, वाइब्रेशन नहीं होती, एंड बी डी एंड जी में वाइब्रेशन होती है. इसके अलावा दोस्तों फी ठी एंड खे जो है, दे कैन ऑल्सो बी एस्पिरेटेड. इनको एस्पिरेट भी किया जा सकता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देख रहे हैं एच,
पी के ऊपर एक सुपर स्क्रिप्ट है एच, यानी प प्लस फ का साउंड भी इससे बनता है, जैसे फैन, ऐसे फैन, जैसे ठी भी एस्पिरेट होता है, हो सकता है, जैसे टाइड ठी छ, और खे भी एस्पिरेट हो सकता है, जैसे खिंग खाइट, यानी क प्लस ख का साउंड, यानी पी जब एस्पिरेट होगा तो प प्लस फ का साउंड बनेगा, ठी जब एस्पिरेट होगा तो ट प्लस ठ का साउंड बनेगा, और खे जब एस्पिरेट होगा तो क प्लस ख का साउंड बनेगा। अगर आप एस्पिरेशन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा, उसका नाम है एस्पिरेशन ऑफ वॉइसलेस स्टॉप्स। उसे मैंने ये बताया कि ये जो वॉइसलेस स्टॉप्स हैं पी टी एंड के या प्लोसिव्स हैं, तो इनका एस्पिरेशन कैसे होता है, जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि दीज कैन ऑल्सो बी एस्पिरेटेड, तो आप वो वीडियो देख करके अच्छे से समझ जाएंगे कि एस्पिरेशन क्या होता है। तो दोस्तों यही जानकारी थी प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स के बारे में, मैंने आपको ये बता दिया कि कितने होते हैं और इनका आर्टिकुलेशन कैसे होता है, कहाँ से ये निकलते हैं साउंड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद ये टॉपिक हमेशा के लिए आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आप अच्छी तरह से उच्चारण तो कर ही पाएंगे, इसके अलावा अगर आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें हैं तो उधर भी आपका बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। आप लोगों के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जैसे आप मुझे अपना मानते हैं, मैं भी आपको अपना फैमिली मेम्बर ही मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।